बिलाबांग स्कूल मामले में गिरफ्तारी, दो आरोपी हनुमंत और उर्मिला गिरफ्तार हो गए हैं। उर्मिला को बताया जा रहा है बस की केयरटेकर। स्कूल प्रबंधन पर मामले की लीपापोती का आरोप भी लगा है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब इस मामले में गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। दो आरोपी हनुमंत और उर्मिला गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो उर्मिला को बस की केयरटेकर बताया जा रहा है। तो स्कूल प्रबंधन पर मामले पर लीपापोती सामने आ रही है। दो आरोपी हनुमंत और उर्मिला गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी समय की इंडिया न्यूज की तरफ से, जहां बिलाबांग स्कूल को लेकर ये बड़ी खबर, दो आरोपी हनुमंत और उर्मिला को गिरफ्तार कर लिया है। उर्मिला को बस के केयर टेकर बताया जा रहा है। तो स्कूल प्रबंधन पर मामले की लीपापोती का भी आरोप है। तो बड़ी खबर इस बीच, बड़ी जानकारी के साथ, हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं समय की बड़ी जानकारी के साथ, जहां स्कूल प्रबंधन पर मामले की लीपापोती का आरोप लगा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी समय की, जहां दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, उर्मिला को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि बस की केयरटेकर बताई जा रही है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जी कुलभूषण, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि बिलाबांग स्कूल इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी देखने को मिल रही है, दो आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, क्या कुछ जानकारी है, आपसे जानना चाहेंगे कुलभूषण। देखिए, बिलाबांग स्कूल की घटना की अगर हम बात करें तो 3 से 4 साल की ये बच्ची है, और जिसके बच्ची के साथ इस तरह की वारदात करने वाले जो दोनों आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जो महिला आरोपी है उसने आरोपी का साथ दिया था। अब इस पूरे मामले पर तमाम जो सवाल जवाब उठते हुए नजर आ रहे हैं, तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सख्त कार्रवाई स्कूल के खिलाफ की जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है कि स्कूल जो प्रबंधक है उन्होंने सीसीटीवी फुटेज डिलीट की है, और ड्राइवर सहित कंडक्टर और जो हेल्पर होती है महिला उनको उनका साथ दिया, और जो बच्ची के माता पिता है कहीं ना कहीं उनको वो गुमराह करते हुए नजर आए। अब इस पूरे मामले पर सख्त एक्शन पर सरकार है, और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसी भी मामले को लेकर, क्योंकि बच्ची का मामला है, इस पे जो भी लापरवाही बरती जाएगी और जो भी आरोपी होंगे, चाहे वो स्कूल के प्रबंधक हो, प्रिंसिपल हो, मालिक हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि इसी महीने से शुरू होगा सभी बसों में पैनिक बटन दबाते ही मदद पहुंचेगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जो उषा ठाकुर हैं, संस्कृति मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि समाज में नैतिक बोध और मूल्यों की बढ़ोतरी होगी, तभी ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण होगा। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने इस घटना की निंदा की है और सख्त कार्रवाई करने की बात स्कूल प्रबंधक और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ की है। तब देखने वाली बात होगी कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ क्या कुछ सरकार एक्शन लेती है। सामने आ रही है कि स्कूल के प्रबंधन पर भी ये आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं कि गुमराह किया गया है। बिल्कुल, मैंने जिस प्रकार से बताया कि जब बच्ची के माता पिता पहुंचे, तो माता पिता के पहुंचने के बाद जब सीसीटीवी की बात सामने आई तो सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि हम 3 से 4 दिन में फुटेज को डिलीट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बच्ची से जो खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्ची की जिंदगी से, और इस तरह की घटनाओं में आरोपियों का साथ दिया जा रहा है, ये एक निंदनीय और एक बड़ी घटना है, और ऐसे में तो सख्त एक्शन सरकार को लेना चाहिए और ऐसे स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करते हुए इनका लाइसेंस
निरस्त करना चाहिए और तत्काल जो है स्कूल प्रबंधन की गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर होना चाहिए। जी, कुलभूषण आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर बड़े अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं। अभी मैंने आपको जिस प्रकार से बताया कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई हुई है और दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर जो स्कूल के प्रबंधक है उनकी कब तक गिरफ्तारी जो है पुलिस प्रशासन करता है, लेकिन इस पूरे मामले की जल्द ही जो है उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुलभूषण, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।